महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम अपने करो या मरो के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को हरा दिया और इस जीत के साथ अब महिला क्रिकेट विश्व कप के पॉइंट टेबल में एक बड़ा बदलाव आ गया है, जिससे भारत को काफी लाभ हुआ है और भारतीय महिला टीम के लिए अब सेमीफाइनल में जाने का दो रास्ता खुल गया है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अब इस नए पॉइंट टेबल में कौन सी टीम है, किस स्थान पर है और भारतीय महिला टीम के लिए अब सेमीफाइनल में जाने का कौन सा दो रास्ता खुल गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज भारतीय महिला टीम की बांग्लादेश पर शानदार जीत के बाद जो नए पॉइंट टेबल में बदलाव आया है, उस हिसाब से अभी भी इस पॉइंट टेबल में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जमी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज दक्षिण अफ्रीका को हरा दी और 6 में 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर इस पॉइंट टेबल में नंबर 1 बनी हुई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम अब 5 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर इस पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन इस पॉइंट टेबल में भारत की जीत के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वह तीसरे स्थान के लिए हुआ, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के मैच के पहले इस पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज बना हुआ था। लेकिन भारतीय महिला टीम की जीत के बाद अब इस पॉइंट टेबल में वेस्टइंडीज की टीम खिसक कर 4थे स्थान पर चली गई और भारत की महिला टीम अब अपने 6 मुकाबले में 3 मैच जीतकर 6 अंक के साथ इस पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। हालांकि वेस्टइंडीज का भी इस पॉइंट टेबल में कुल 6 अंक है, लेकिन वेस्टइंडीज का रन रेट माइनस में है और भारत का रन रेट इंग्लैंड और वेस्टइंडीज से ऊपर है और भारत का रन रेट अभी प्लस में है, इसलिए भारतीय महिला टीम अब तीसरे स्थान पर आ गई है। लेकिन इस नए पॉइंट टेबल के अनुसार भारतीय महिला टीम के लिए इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने का कैसे दो रास्ता खुल गया है, तो हम आपको बता दें कि भारत अपना आखिरी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से जीतकर इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश कर सकती है। लेकिन एक और रास्ता भारतीय महिला टीम के लिए खुल गया है कि अगर भारतीय महिला टीम अपना आखिरी मुकाबला लूज कर जाती है तो भी भारतीय महिला टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, क्योंकि भारतीय महिला टीम को अपने आखिरी मुकाबला खेलने से पहले अब दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले पर भी नजर रखना होगा। इसलिए हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला किस तिथि को होगा, क्योंकि अगर दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम वेस्टइंडीज की महिला टीम को हरा देती है तो भारत के लिए दूसरा रास्ता भी आसान हो जाएगा, क्योंकि भारत अपना आखिरी मुकाबला अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम से हार जाती है तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच रन रेट देखा जाएगा और भारत अभी रन रेट में प्लस में है और वेस्टइंडीज माइनस में है, इसलिए आखिरी मुकाबला हार कर भी भारतीय महिला टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। इसलिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबला से पहले हम लोगों को यह भी देखना होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा पाती है या नहीं। इसलिए हम आपको बता दें कि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच कब है, तो दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 24 मार्च को मैच है और इस मैच पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि भारत कैसे सेमीफाइनल में इस वर्ल्ड कप के जाएगा। इस वर्ल्ड कप से संबंधित सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।